हेलो गाइस, स्वागत है आपका जीएस रसोई में। आपने बहुत बार ही देखा होगा वायरल हो रही है कि मूंग के दाल के पॉपकॉर्न कैसे बनते हैं। क्या इनका सही तरीका है बनाने का? मूंग साबुत दाल के पॉपकॉर्न कैसे बनाए जाते हैं और क्या तरीका होता है इसका बनाने का? क्या वाकई में ये बनते हैं या नहीं बनते हैं, ये आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि बनते हैं या नहीं। तो वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। एक बड़ा चम्मच घी डाल दूंगा, इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, और थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे, इसको हम ऊपर से ढक्कन दे देंगे ताकि इसमें स्टीम बने और मूंग के दाल के पॉपकॉर्न हमारे बनकर रेडी हो जाए। मूंग साबुत दाल के पॉपकॉर्न बिल्कुल भी नहीं बनते, ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल बेकार है। और ये आप देख सकते हैं पूरी दाल जल चुकी है, और मूंग के दाल के पॉपकॉर्न नहीं स्प्राउट बनते हैं जो आप सलाद में ले सकते हैं, और खाने में भी काफ़ी हेल्दी होता है और रोज़ खाना भी चाहिए सलाद में, उससे काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। गाइस, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, और मुझे भी पॉपकॉर्न खाने की इच्छा हो रही थी, तो मैं अभी ये मैंने एक पैकेट लिया है, इससे पॉपकॉर्न बनाऊँगा कढ़ाई में। ये वैसे माइक्रोवेव में बनता है लेकिन मैं इसको कढ़ाई में बनाऊंगा। इसके साथ में कुछ इस तरीके का पैकेट आता है, आप चाहे तो नॉर्मल पॉपकॉर्न का जो मार्केट में आता है पैकेट वो भी ले सकते हैं, और साथ ही इसके साथ आपको बटर और नमक आपको ऑलरेडी अंदर मिलता है, वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसको वैसे माइक्रोवेव में बनाया जाता है। तो गाइस, ये हमारे पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।